हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल फल ये इलेवेंथ अप्रैल से लेकर सेवेंटीन अप्रैल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रडिक्शन्स हैं और अभी करेंटली मैं आउट ऑफ कंट्री हूं मैं कनाडा में हूं तो अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप अगर व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि नॉर्मल कॉल हो सकता है मिस हो जाए और देखिए जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फ़र्क है लेकिन अगर आप अगेन मैं कहूँगी व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज मुझे करेंगे तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा एंड इसी के साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन मून साइन एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि फल चलिए इसेरिये आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड स्मॉल ब्यूटिफुल और, और देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इस वीक कुछ इश्यूज़ कुछ मसले स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं और कहीं देखिए ये इश्यूज़ ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड मनी पैसे से रिलेटेड ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए ये इश्यूज़ या मसले डिफ़र करेंगे लेकिन कहीं आपको ऐसी फीलिंग हो रही है सेजिटेरियस कि जो भी इश्यूज़ जो भी मसले हैं उसके पीछे आपकी इमेच्योरिटी ही एक रीज़न है अगर थोड़ा सा भी आप मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते संभल के चलते तो कहीं इन इश्यूज़ इन मसलों को आप अवॉइड कर सकते थे और देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई स्किल कोई नॉलेज आप गेन करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ मसले कुछ इश्यूज रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत डिवोशन बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए जो भी हो सजिटेरियस यहाँ पे स्मॉल इज ब्यूटिफुल का कार्ड कहीं आपको गाइडेंस दे रहा है कि छोटी छोटी सी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इन्जॉय करें क्योंकि देखिए जब हम ऑर्डिनरी चीज़ों को अगेन अच्छे से इंजॉय करते हैं तो उनको ही हम एक्स्ट्रा बना देते हैं और देखिए बियॉन्ड द पॉइंट आप किसी भी चीज़ के लिए इम्पल्सिव ना हो जल्दबाजी ना करें आप धीरे धीरे आगे बढ़ें छोटी छोटी सी चीज़ों पर बहुत अटेंशन दें और अगर ऐसा आप करते हैं तो एक बेटर एनर्जीज़ लेकर आएंगे और देखिए जो भी अगेन इशू मसला हो रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे तो भले ही वो कितना भी छोटा हो उसको आप अपने माइंड में बहुत बड़ा बना देंगे क्योंकि देखिए एक तो ये वीकली रीडिंग है वो बहुत बड़ा इशू बहुत बड़ा मसला नहीं होगा और दूसरी बात पेजेस भी छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल ही देखिए बहुत छोटे छोटे से इश्यूज आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं महसूस करेंगे तो यकीन मानिए जितने छोटे ये हैं आप इनको और भी छोटा बना देंगे और बिल्कुल भी ये चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी और देखिए मैंने हमेशा कहा है जब भी, भी कोई इशू कोई मसला हो तो उस इशू या फिर उस प्रॉब्लम पे फोकस करने के बजाय उसका क्या हल है उसका क्या सल्यूशन है अगर आप उस पे फोकस करते हैं तो आपको एक हल भी मिलता है और बहुत आसानी से आप उन्हीं चीजों से अपने आप को बाहर भी निकाल पाते हैं तो इस चीज पर इस वीक आप जरूर फोकस करें एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड लिमिटेशन और देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशंस की बात करता है फीलिंग्स की बात करता है कहीं सेंटिमेंट्स की बात करता है एक अटैचमेंट की बात करता है और कुछ ऐसा ही कहीं यू नो अगेन मैं कहूँगी अपने पर्सनल फ्रंट में आप फील करते हुए दिख रहे हैं जो भी लोग आपके साथ हैं या फिर यू you नो know, आपके आसपास हैं आपके लव्ड वंस आपके क्लोज वंस उनके लिए अगेन मैं कहूँगी बहुत एक फीलिंग्स इमोशंस रह रही हैं या फिर उनकी तरफ से एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके रह रही हैं और देखिए इन द प्रोसेस कहीं आप थोड़े से सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप पाएं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें क्योंकि देखिए जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं तो छोटी छोटी सी चीजें हमें हर्ट करती हैं और कहीं देखिए जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब भी आप देखते हुए दिख रहे हैं एक विजन भी आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखिए कॉन्क्रीट स्टेप्स उसी ख्वाब उसी विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए मिसिंग दिख रहा है और अगर ऐसा आप भी पाएं सेजिटेरियस तो इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें क्योंकि कहते भी हैं विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग तो देखिए ख्वाब जरूर देखें क्योंकि ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स भी उनको पूरा करने के लिए ज़रूर लें और देखिए यहाँ पर लिमिटेशन का कार्ड का या तो आपको गाइडेंस दे रहा है या फिर आप ही ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ लिमिटेशंस हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस जो भी लिमिटेशंस होती हैं रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं या मैं कह सकती हूँ कि सबसे बड़ी लिमिटेशन सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे मकसद हमारी डिज़ायर को अचीव करने के लिए हमारा नेगेटिव थाट प्रोसेस होता है हमारा नेगेटिव बिलीव सिस्टम होता है और अगर आपको भी ऐसा लगे सजिटेरियस तो इसी नेगेटिव थाट प्रोसेस को इसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को जरूर आप ओवरकम करें और देखिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करें अपनी पोटेंशियल अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज करें और फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप एक कॉन्क्रीट रियलिस्टिक मेजर्स लेंगे तो कोई भी चीज़ आपको आपका गोल आपका मकसद अचीव करने से नहीं रोक पाएगी एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मोन इन सेजिटेरियस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर तो देखिए जो भी आप इस वीक करें भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो आप बड़ी पिक्चर ही अपने सामने रख हुए हर चीज़ को करें क्योंकि देखिए जब हम बड़ी पिक्चर रखते हैं तो छोटे छोटे से फेलियर्स हमें परेशान नहीं कर पाते हैं और हम अपने गोल के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हैं जैसे कि देखिए जब हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो हमें पता होता है कि भाई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइम पर अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर कोई फ्रेंड बोलता है कि चलो पार्टी करें तो अगर हम अपने फ्रेंड की बात मानते हैं एक टेम्प्ररी गेन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में या फिर बड़ी पिक्चर के हिसाब से हमारा नुकसान होता है क्योंकि देखिए जब तक एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे हम पास नहीं होंगे तब तक आगे भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो इसी तरीके से देखिए उस टेम्प्ररी डिस्ट्रैक्शन पर अगर हम फोकस नहीं करते हैं बिगर पिक्चर अपने सामने रखते हैं तो देखिए अगेन मैं कहूँगी उस टाइम तो शायद हम फन मज़ा मस्ती नहीं कर पाते हैं लेकिन आगे जाके बहुत बेटर एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं एक सक्सेस एक अचीवमेंट भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो यहाँ पे ये मैंने आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दिया है कहने का मतलब ये है कि जो भी आप करें आप बड़ी पिक्चर अपने सामने रखें छोटे छोटे से फेलियर से आप डिसअपॉइंट ना हों ट्रोलोजी uh, से आप लोगों के लिए विवस्था का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑरेंज एंड और येलो कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे एंड संडे तो ये था सेजिटेरियल्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए